दिनांक 12 अप्रैल 2022 को शहीद सुखदेव सिंह समिति द्वारा वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक जी की स्मृति दिवस सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह ने किया। अध्यक्ष संबोधन में शिक्षक नेता अमृत कुमार सिंह ने कहा कि राजेंद्र पाठक पत्रकारिता शुरुआत अग्रसर मुंगेर 1976 में, पत्रकारिता भारत मेल, पाटलिपुत्र टाइम्स, अलकथा, कालधर्म और 2000 में दैनिक जागरण बेगूसराय के ब्यूरो चीफ रहे। इनका घर तेगरा थाना अंतर्गत अंबा गांव में हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे महान पत्रकार संपादक को सत सत नमन है। इस अवसर पर वरिष्ठ पूर्व पत्रकार श्याम चरण मिश्र ने कहा कि राजेंद्र पाठक और मैं जान दो थे, दिल एक था। उन्होंने कहा कि उनके साथ मैंने पत्रकारिता के साथ साथ धार्मिक जीवन में भी, भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो हम लोगों ने नहीं घूमा। उन्होंने कहा कि ऐसे संपादक को सत सत नमन है। इस अवसर पर दधीची देवदान समिति की जिला अध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि राजेंद्र पाठक जी गरीबों के मसीहा थे। गरीबी जीवन में गुजरने के बाद भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी झुके नहीं। ऐसे महान पत्रकार को आज उनके इस स्मृति दिवस पर उनको सत सत नमन करता हूं। इस अवसर पर महिला सेल सचिव सुनीता देवी ने कहा कि राजेंद्र पाठक गरीबी जीवन में जीने के बाद भी कभी झुके नहीं, पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने उत्तम जगत विद्या की उच्चतम करी है। इस विद्या में राजेंद्र पाठक उच्चतम सीवर पत्रकार थे। ऐसे महान आदमी को महिला सेल समिति की ओर से सत सत नमन है। इस अवसर पर साहित्यकार चंद्रशेखर चौरसिया ने कहा कि राजेंद्र पाठक माननीय मूल्य के सकारात्मक ढंग से पत्र पत्रिकाओं में जीवन भर संघर्ष करते रहे। ऐसे महान पत्रकार को सत सत नमन करता हूँ। इस अवसर पर राजेंद्र महतो, अधिवक्ता जेपी सुनानी, नाथो साव, छात्र आंचल कुमारी, कन्हैया आदि ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। संबंधी एक प्रणाम दो देश पत्रकार थे, दोनों सिर्फ सोने में अलग होते थे, नहीं तो हम लोग साथ बैठना उठना, न्यूज लिखना, घूमना फिरना, पूरा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, संपूर्ण देश में तीर्थ यात्रा भी साथ कर चुके थे। असहमय की निधन हो गया उनका, हम लोग टूर हो गए। समिति कार्यालय में बेगूसराय के जाने माने पत्रकार, प्रेस रिपोर्टर, या इनको कहिए चीफ ब्यूरो कहिए या इनको संपाददाता कहिए, ये बहुत पुराने थे। और राजेंद्र पाठक जी की आज नवीं स्मृति दिवस सही सुखदेव सिंह समय समिति कार्यालय मना रही जा रही है, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरिंदर कुमार सिंह कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्याम जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान थे और पत्रकारिता कुछ कमजोरी के कारण छोड़कर ये प्रेस से एक तरह से हैं, मगर वहाँ से छोड़ दिए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार उस समय जमाने के हैं जिस समय में श्याम जी का चर्चा बेगूसराय जिला में चर्चा था। आज राजेंद्र पाठक जी की नवीं स्मृति में कहना चाहेंगे, राजेंद्र पाठक जी 2020 में बेगूस दैनिक जागरण के भी चीफ ब्यूरो रहे, आज की रहे, दैनिक भास्कर के रहे और आपको दैनिक सनमार्ग रहे। ऐसे महान कई पत्रकार निकाले, जो मुंगेर से कई पत्रिका निकला जिसमें ये चीफ ब्यूरो रहे, धरती जुड़े हुए थे। राजेंद्र जी थे सन पत्रकारिता में, था नाम, सही के लिए हरदम आगे बढ़ते थे। ऐसे बुजुर्ग नौजवान जिनको मैं आज उनके स्मृति दिवस पर मैं करता हूँ सलाम। अब हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मैं चाहूँगा, समिति के द्वारा पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि मनाया जा रहा है। हम अमरिंदर जी को धन्यवाद देंगे, जो हमारे जिला ही नहीं, बिहार नहीं, भारत ही नहीं, विश्व लेवल के भी जो वीर सपूत हैं, जो अच्छे कुछ कर्म करके गए हैं समाज के लिए, जो अच्छी सोच रखे हुए हैं, उनका ये पुण्यतिथि श्रद्धांजलि मनाते हैं। आज हमारे राजेंद्र पाठक जी जो हमारे जिला में अच्छे अपना छाप छोड़ कर गए, एक सुलझे हुए इंसान थे, जो अच्छा मनुष्य हम कहते हैं वो अच्छे मनुष्य थे, बेबाक निर्भीक लिखने वाले थे, किसी से वो डरते नहीं थे, जो सच्चाई होता था वो निश्चित वो लिखते थे। और पत्रकारिता की दुनिया में हम समझते हैं बेगूसराय जिला में इनका नाम, राजेंद्र पाठक का नाम निश्चित रूप से सब दिन हर समय अमर रहेगा। और हम श्याम बाबू को भी धन्यवाद देंगे, जो राजेंद्र बाबू के जयंती पर अस्वस्थ रहने के बाद भी आज यहाँ आए,
ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे वकील साहब हैं और जो भी गणमान्य लोग हैं, हम तमाम लोग को सशक्त नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम। यही था संजोग से, मुझे उतना गुण नहीं है लेकिन मेरा नाम उनका नाम एक था और वही शिक्षिका के पति थे, मैं भी शिक्षिका का पति हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें।